अवेरी वॉम वेलकम टू ऑल द स्परेंट ऑफ़ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस है बी एल एस सी ए लाइस एम एल एस कर रहे हैं कर चुके हैं आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टूडेंट आप सभी से रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम कवर करने वाले हैं यूनिट थ्री प्रोग्रामिंग इससे पहले हमने यूनिट वन एंड यूनिट टू भी दो कवर कर दिए हैं जो कि पार्ट है एम एल आई आई वन जीरो थ्री फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी तो इसमें देखिए प्रोग्रामिंग है इससे पहले हमने सॉफ्टवेयर की बात किया था और इससे पहले हार्डवेयर की भी पूरी हमने डिटेल में पढ़ लिया था तो प्रोग्रामिंग क्या होता है इसमें हम ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एल्गोरिद्म एंड फ्लो चार्ट पढ़ेंगे फिर प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल फिर टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग जनरेशन ऑफ़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये सारी चीज़ में हम कवर करने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑब्जेक्टिव वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस पूरे जो यूनिट है उसमें क्या है और आपको क्या मतलब मतलब पढ़ के क्या एट द एंड ऑफ द डे आप क्या गेन कर पाएंगे तो यहाँ पे देखें इन द प्रीवियस यूनिट यू हैव लर्न अबाउट द बेसिक ऑफ़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इससे पहले हमने कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर के बारे में पढ़ा था आपको काफ़ी सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर के बारे में आपको पता चली होंगी इन दिस यूनिट वी विल डिस्कस अबाउट प्रोग्रामिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग क्या होती है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन से होते हैं आफ्टर रीडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू नो क्या आप जान पाएंगे इसके बारे में अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ़ प्रोग्रामिंग क्या होती है प्रोग्रामिंग वो आप समझ पाएंगे बी यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप समझ पाएंगे बिकम फेमिलियर विद द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आप मतलब फेमिलियर हो जाएंगे इसको पढ़ने के बाद अब इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन में देखिए क्या है यहाँ पे अ कंप्यूटर कैन नाइदर थिंक नॉर मेक डिसीजन ऑन इट्स ओन जो कंप्यूटर है वो ना तो सोच सकती है और ना अपने आप में कोई डिसीजन ले सकती है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम यूजिंग कंप्यूटर्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन शेल बी गिवन टू द कंप्यूटर इन द फॉर्म विच इट कैन अंडरस्टैंड तो कोई भी मतलब सॉल्यूशन हमें सॉल्व करना है तो उससे पहले उसके अंदर कुछ प्रोग्राम डाले जाते हैं ताकि वो हमारे जो इनपुट को एक आउटपुट अच्छा मतलब सेम आउटपुट दे पाए जो डिज़ायरेबल हो तो उसके लिए प्रोग्राम बनाए जाते हैं उसके अंदर डाले जाते हैं द प्रोसेस ऑफ राइटिंग दिस इंस्ट्रक्शन इज़ कॉल प्रोग्रामिंग और इसी प्रोसेस को मतलब जिस प्रोसेस के द्वारा ये प्रोग्राम बनाया जाता है उसी को हम प्रोग्रामिंग बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग वर्ट प्रोग्रामिंग इज़ कैन बी एक्सप्लेन बाई टिंग अंपल एंड वेल नोन एग्जाम्पल इसको समझने के लिए एक सिंपल और एक अच्छा एग्जांपल लिया गया है जैसे कि कंसिडर सर्चिंग अ डिक्शनरी फॉर अ वर्ड डिक्शनरी में से जब आप कोई वर्ड सर्च करते हैं तो ये एक, एक तर अच्छे तरीके से एग्जांपल है द मैनुअल सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज टू टेक आउट द डिक्शनरी एंड सर्च पेज फॉर द इनिशियल लेटर ऑफ़ द वर्ड मतलब इनिशियली आप क्या करेंगे मैनुअली अगर आप करेंगे तो डिक्शनरी उठाएंगे उसमें से पे पेज पलट पलट के उस वहाँ तक पहुँचेंगे वंस द वर्ड इज़ फाउंड सर्च फॉर द सब्सिक्वेंट लेटर ऑफ द वर्ड एंड एंड ऑन फाइंडिंग द वर्ड रीड आउट द मीनिंग गिवन इन द डिक्शनरी मतलब कि पहले तो जैसे कि ए वर्ड से है तो ए पे जाएंगे फिर उसके अंदर Uh, कोई वर्ड है ए से ए के अंदर भी मतलब सब्सिक्वेंट वर्ड ढूंढेंगे तब जाके आपको वो मिलेगा उसके बाद आप उसको पढ़ पाएंगे तो यहाँ पे ये बोला गया है अस अजीम अ डिक्शनरी इज़ अवेलेबल इन अ कंप्यूटर सोच लीजिए कि ये डिक्शनरी जो है कंप्यूटर में ही अवेलेबल है वी नीड टू राइट अ प्रोग्राम टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ सर्चिंग अ वर्ड इन अ डिक्शनरी सिर्फ हमें प्रोग्राम लिखना है और वही जो वर्ड है वो कंप्यूटर निकाल के दे देगा जैसे कि डिक्शनरी से आप करते हैं द एल्गॉरिडम टू सॉल्व द प्रॉब्लम इज गिवन बिलो अब उस एल्गोरिडम जिसके द्वारा वो प्रॉब्लम सॉल्व होगा ये यहाँ पर दिया हुआ है जैसे फर्स्ट है यहाँ पे टेक द वर्ड टू दर्च सर्च एज इनपुट वर्ड को मतलब लें और फिर उसको सर्च में डालें एज ए इनपुट मैच द वर्ड अवेलेबल इन द डिक्शनरी वन बाय वन अंटिल द एग्जैक्ट मैच इज़ फाउंड और उसको मैच करते रहें जब तक आपको मैच मिल नहीं जाता डिस्प्ले द मीनिंग एज आउटपुट इन द इन द आउटपुट वर्ड्स और उसको आउटपुट को डिस्प्ले करें एज एन आउट आउटपुट वर्ड तो ये पूरा प्रोसेस है किस तरीके से प्रोग्रामिंग जो है वो काम करता है अब यहाँ पे देखिए द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम इज कॉल प्रोग्रामिंग और उसी प्रोसेस को बोलते हैं प्रोग्रामिंग जिसके द्वारा प्रोग्राम जो है वो बनाया जाता है या लिखा जाता है इट इन्वॉल्व सॉल्विंग अ प्रॉब्लम एंड राइटिंग इट इन द फॉर्म विच अ कंप्यूटर सिस्टम कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट इसका मतलब क्या है कि ये इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं कि सॉल्विंग अ प्रॉब्लम मतलब कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहले हमें लिखना पड़ता है ऐसी चीज़ें जो कि कंप्यूटर हमारा समझ पाए और उसको एग्जीक्यूट कर पाए तो ये पूरी चीज़ें थी अब यहाँ पे देखिए कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज सच एस इंग्लिश हिंदी फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम डेफिनेटली जो कंप्यूटर है वो हमारी भाषा तो समझेगा नहीं तो क्या समझता है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है जैसे ज़ीरो एंड वन देर दीज आर डेवलप फॉर स्पेसिफिक स्पेसिफिक एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन प्रोग्राम आर ऑफ़ टू टाइप एप्लीकेशन के द्वारा अगर हम देखें तो प्रोग्राम जो है वो दो तरह के होते हैं सिस्टम प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम इससे पहले हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ा था अब सिस्टम प्रोग्राम और एप्लीकेशन प्रोग्राम पढ़ने वाले हैं इसमें अब सिस्टम प्रोग्राम क्या होता है दीज आर द प्रोग्राम विच मेक कंप्यूटर अवेलेबल टू द यूज़र एक सिस्टम प्रोग्राम वो होता है जो कि कंप्यूटर को अवेलेबल करवाता है यूज़र के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम सच एस डॉस हो गया या विंडो हो गया विच कंसिस्ट ऑफ मनी अदर प्रोग्राम इसके अंदर बहुत अलग अलग और भी प्रोग्राम होते हैं फॉर कंट्रोलिंग इनपुट आउटपुट डिवाइस ताकि वो इनपुट आउटपुट डिवाइस को कंट्रोल कर पाए मेमोरी को कंट्रोल कर पाए या प्रोसेस कर पाए ये सब इसके अंदर सिस्टम में प्रोग्राम होता है द सी लैंग्वेज इज वाइडली यूज टू डेवलप दिस सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सी लैंग्वेज है वो मतलब ज़्यादातर यूज़ किया जाता है इसको डेवलप करने में अब एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होता है एप्लीकेशन प्रोग्राम आर डिज़ाइन फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन सचैस लाइब्रेरी ऑटोमेशन एप्लीकेशन प्रोग्राम वही होता है जो कि एक स्पेसिफिक कार्य के लिए डेवलप किया जाता है जैसे लाइब्रेरी ऑटोमेशन हो गया इंफॉर्मेशन रिट्रीवल हो गया या इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इन्वेंट्री कंट्रोल हो गया ये सब इसके अंदर आते हैं तो ये सब मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था जब सॉफ्टवेयर पढ़ रहे थे तो आई हो आपको वो सारी चीज़ें याद आ रही होंगी अब यहाँ पे है एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट तो इसके अंदर देखें कंप्यूटर आर यूज़ फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑटोमेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर किसके लिए यूज़ किया जाता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ऑटोमेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ डेटा के लिए इंफॉर्मेशन के लिए तो यहाँ बोल रहा है द कंप्यूटर डज इट डज इट बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन इट रिसीव थ्रू वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच है सी हो गया सी प्लस प्लस हो गया और अ वाइटी ऑफ अदर और भी बहुत तरीके के यहाँ पे होते हैं तो जैसे कि इंस्ट्रक्शन आपने दिया उसके अंदर ऑलरेडी फीड किया गया है प्रोग्राम तो उसी के बेसिस पे वो आपको मतलब फीडबैक देगा तो इसके अंदर है ये पूरा अब एक बार इसको ना देख लें आप आ, इसमें कुछ आ, फ्लो चार्ट सिंबल हैं जो कि आपको पता होने चाहिए जैसे यहाँ पे टर्मिनल होता है आ, दिस इज़ यूजली टू रिप्रेजेंट टर्मिनल पॉइंट इन द प्रोग्राम जो कि यहाँ पे स्टार्ट हो गया एंड हो गया ऐसे चीज़ों के लिए स्टॉप हो गया फिर इनपुट आउटपुट ये तो आपको पता ही है प्रोसेस ये इस तरीके का इसमें सिंबल आपको देखने को मिलेगा प्रोसेस चेंज चेंजेस और मूव डेटा एज असाइनमेंट इज नॉर्मली रिप्रेजेंटेड इन दिस सिंबल इस सिंबल में आपको दिखाया जाता है फिर फ्लो फ्लो ऑफ डायरेक्शन किस डायरेक्शन में मतलब चीज़ें जो है वो फ्लो करें जैसे कि बटन हो गया ऊपर आपने एरो का साइन देखा होगा फिर एनोटेशन uh, हो गया फिर डिसीजन मेकिंग सिंबल हो गया इस तरीके से दिखता है कनेक्शन इस तरीके से आपको दिखता है वहाँ पे सिंबल प्री डिफाइन प्रोसेस ऐसे होता है तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था इसका अब नेक्स्ट जो हमारा जो यू, जो लेक्चर आएगा उसमें हम प्रोग्रामिंग प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में बात करेंगे और मतलब ये हमारा लास्ट जो यूनिट है इसी के साथ जो ब्लॉक वन है वो ख़त्म हो जाएगा तो आशा करते हैं आपको जितनी इन्फॉर्मेशन दिया है हमने वो आपको समझ में आया होगा तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में किसी अलग टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद